अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डेली ब्यूटी आइडियाज। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक हेयर पैक की रेमेडी लेके हाजिर हुई हूँ, जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, आपके बालों की हेल्थ को इम्प्रूव करेगी, आपके बाल अगर जो दो मुँह हो जाते हैं उसे भी ट्रीट करेगी। इसके अलावा ये आपके बालों को शाइन देगी, लंबा करेगी, घना करेगी। मैं ज़्यादा तमीज़ नहीं बांधूंगी, सिर्फ ये कहूँगी कि ये एक हेयर पैक अगर आप हफ्ते में दो मरतबा अप्लाई कर लेते हैं तो आपके बालों की तमाम मुश्किलात परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। डैंड्रफ हो आपके सर में, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रहा है अगर, तो आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करें, वो डैंड्रफ भी रिमूव करेगी और आपके बालों को शाइन देगी, ग्रोथ देगी। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इससे पहले आपसे एक दरख्वास्त है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए फ्रेश एलोवेरा जेल। यहाँ मैंने फ्रेश एलोवेरा जेल लिया है। आप मार्केट वाला भी यूज कर सकते हैं और फ्रेश भी यूज कर सकते हैं, या आप डिपेंड करता है कि आपको जिस चीज़ में ज्यादा सहूलत हो उस तरह आप उसे रेडी करें। अगर आप मार्केट वाला इजी समझते हैं तो वो आप अप्लाई करें। अगर आप घर का फ्रेश एलोवेरा जेल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है, इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप फ्रेश एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें। अगर आप ये प्लांट अपने घर में लगा लेते हैं तो वो आपके बालों की, हेयर की और आपकी स्किन की केयर के लिए इनफ है। आप उसे अपनी हेल्थ केयर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेश एलोवेरा जेल निकालने की ऑलरेडी वीडियो में अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आप चाहते हैं तो उसे देख सकते हैं। इस फ्रेश एलोवेरा जेल लिया है, तकरीबन यहाँ मेरे पास 4 चम्मच फ्रेश एलोवेरा जेल के मौजूद है। इसके अंदर मैं 2 बड़े चम्मच योगर्ट के ऐड करूंगी। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे टर्मरिक। टर्मरिक जो होती है हमारे बालों के डैंड्रफ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है। इधर तकरीबन मैंने 2 पिंच टर्मरिक के ऐड किए हैं। ऐड करेंगे मस्टर्ड ऑयल। सरसों का तेल जो होता है हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसके अंदर तकरीबन मैं 3 चम्मच भर के मस्टर्ड ऑयल के ऐड कर लिए हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी कि ये यकजा हो जाए। मस्टर्ड ऑयल सदियों से हमारे बालों की हेल्थ केयर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसे बालों में लगाने से बाल लंबे और घने होते हैं। बहुत पुराने वक्तों में बालों की केयर के लिए और बालों में जो तेल इस्तेमाल किया जाता था वो मस्टर्ड ऑयल ही था। उस जमाने के लोगों के बाल अगर देखे जाएं तो बहुत ही घने, मजबूत और शाइन वाले होते थे। आज के दौर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमने ऑयल लगाना अवॉइड कर दिया है और हम कुदरती चीजों से केमिकल चीजों की तरफ आ गए हैं, जिसकी वजह से हमारे बालों की ग्रोथ, हमारे बालों की हेल्थ, हमारे बालों का बहुत ज्यादा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है। हमारी हेल्थ इंप्रूव नहीं हो पाती हमारे बालों की, हमारे बाल दिन ब दिन कमज़ोर होते जाते हैं, दो मुँह होते जाते हैं, खुश्की रहती है हमारे बालों में। इसकी वजह यही है कि हम केमिकल चीज़ों को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, हम केमिकल प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कलर कर रहे होते हैं अपने बालों को। इसके अलावा हम अपने बालों को हीट दे रहे होते हैं, जैसे हम स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं, कर्लिंग कर रहे हैं, उसके लिए हीटिंग एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं। अब उसकी वजह से हमारे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप इन सारी चीज़ों को कर रहे हैं, कि आप कलर कर रहे हैं, आप डाई कर रहे हैं, इसके अलावा आप ब्लू ड्राई कर रहे हैं अपने बालों को, कर्लिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको ये पैक लाजमी लगाना चाहिए, क्योंकि ये आपके तमाम बालों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, आपके बालों को शाइन देगा और आपके बालों को रिपेयर करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव पैक है जो यहाँ मैंने रेडी किया है। ये यहाँ भी अच्छे से मिक्स हो चुका है, आप इसको देख सकते हैं कितना अच्छा शानदार है। ये इस तरह के फॉर्म में हमारे पास आ गया है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, ये मिक्स हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको आपने किस तरह अपने हेयर पे अप्लाई करना है, आपने इसे अपनी रूट्स पे अप्लाई करना है, क्योंकि ये किसी तरह के केमिकल से नहीं बना हुआ, ये हर्बल है, तो आपके बालों को और आपकी रूट्स को कोई नुकसान नहीं देगा। आपने रूट से लेंथ तक इसे अच्छे से अप्लाई करना है। उसके बाद आपने इसे 15 मिनट या 10 मिनट अपने बालों पे अच्छे से मसाज कर लेना है इसका, और मसाज करने के बाद आपने शावर कैप पहन लेनी है। शावर कैप पहनने से ये होगा कि जो इसकी ग्रिडनेस है वो आपके बालों को अच्छे से मिल जाएगी। उसके बाद आपने इसे 2 घंटे इंतजार करना है, अपने बालों पे लगे रहने देना है। उसके बाद आपने किसी भी माइल्ड शैम्पू से इसे वॉश कर लेना है। ये आपके बालों की ग्रोथ करेगा, आपके बालों को हेल्दी करेगा। एलोवेरा जेल के फायदे से कौन नहीं वाकिफ। एलोवेरा जेल बहुत सी प्रोडक्ट्स में, हेयर प्रोडक्ट्स में, मेकअप प्रोडक्ट्स में और स्किन केयर प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल हो रहा है। एलोवेरा जेल हमारे हेयर्स के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और यहाँ योगर्ट इस्तेमाल किया, योगर्ट हमारे बालों को शाइन देगा, डैंड्रफ से महफूज रखेगा और हेल्दी में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, एंटी फंगल होती है, इसलिए ये हमारे बालों को, हमारे स्कैल्प को अच्छे से क्लीन कर देगा, हमारे बालों से, हमारे स्कैल्प से डैंड्रफ को रिमूव कर देगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।